So hello friends, I hope you must have heard about the red tide phenomena. My name is Vipin Kumar Sharma, and in this particular video I am going to elaborate that phenomena in front of you guys, as well as I am going to let you know कि किन particular organisms की वजह से ये red tide phenomena basically cause होता है and what is the basic reason behind that. We were in our discussion of Kingdom Protista, और Kingdom Protista में हम लोग क्राइसोफाइटा के बारे में already discuss कर चुके थे. In this particular video we will be talking about dinoflagellates. So without wasting any more time, let's crack it guys. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want, otherwise let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल द सब्सक्रिप्शन पैकेजेस फ्रॉम Unacademy ऑन योर स्क्रीन. आई रेकमेंड यू गाइज कि आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल का पैक ऑप्ट करें, बिकॉज ये आपको कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें आसानी से पास ऑन भी कर सकते हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यहाँ पर विपिन कोड अगर यूज करेंगे देन यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट. सेकेंडली यू विल बी गेटिंग ऑल माई नोट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, और इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू विल बी गेटिंग 1 year ऑफ फ्री मेंटोरशिप फ्रॉम माई एंड दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट डायनोफ्लैजेलेट. फर्स्टली इसके नाम के अंदर चलते हैं. डायनो में एक वर्ड आता है डाय, जिसका मतलब है दो, और फ्लैजेलेट में एक वर्ड आता है फ्लैजेला, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लोकोमोशन. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर 2 फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, इन्हें आप लोग क्या कहेंगे? डायनोफ्लैजेलेट्स. सो हियर व्हाट यू आर लुकिंग एट इज अ डायनोफ्लैजेलेट. यहां पर एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला होता है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि मैं अभी फिलहाल रेड मार्कर से मार्क करता हुआ जा रहा हूं. ओके, so this particular long structure that I am marking again in the backward direction is your flagella. And second most important thing that here it is going to be transverse in nature, present between the stiff plates. यानी कि ये जो आपकी stiff plates हैं, इनके बीच में यहाँ पर एक transverse flagella present रहेगा और एक आपका longitudinal लंबा flagella present रहेगा. इसीलिए इन्हें dinoflagellate बोला गया. यानी कि 2 flagella हैं, एक तो आपका longitudinal और एक छोटा सा आपका transverse वाला. So these organisms are mostly marine, क्योंकि ये ज्यादातर खारे पानी में पाए जाते हैं. Plus they are going to be photosynthetic in nature. It means that they can synthesize their own food, okay, by utilizing the sunlight as well as CO2 and water. Now their colors are very much variable. They can range from the yellow color, जो कि इनका कैरोटिनॉइड्स वगैरह या फिर उससे रिलेटेड पिगमेंट्स की वजह से हो सकता है. They can be green in color because they may contain some sort of chlorophyll related compounds. Their color can be brown. Their color could be blue, their color could be red. That is totally depending upon the main pigments which are contained by their cell. For example, जब आप red की बात करते हैं तो red color is due to R phycoerythrin, जो कि आप लोग बेसिकली रेड एल्गी में भी देखते हो. सो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं या इनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर कलर को इल्यूमिनेट करते हैं. सो यूजुअली हमें वो कलर इनकी बॉडी पर दिखाई देता है. एंड सेकेंडली ये पिगमेंट्स आपके ऑटो एक्टिवेटेड भी होते हैं इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. यानी कि इनका नॉर्मल कलर हमें वही दिखाई देगा जिस कलर के पिगमेंट इनकी बॉडी में होंगे. जैसे कि हमारे ब्लड का कलर आपको रेड दिखाई देता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, पत्तियां आपको ग्रीन दिखाई देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कुछ फ्रूट्स आपको रेड दिखाई देते हैं जैसे कि चिली का फ्रूट आपको बेसिकली रेड दिखाई देता है, टोमेटो आपको रेड दिखाई देता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन. सो काफी सारे पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली उन्हें कलर प्रोवाइड कर देते हैं. यहाँ पर जो सेल वॉल्स होती हैं दोस्तों, दे आर वेरी स्टिफ इन द सेंस दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी रॉक सॉलिड. ओके, बिकॉज यहाँ पर सेल्यूलोजिक प्लेट्स की मिलकर बनी हुई होती है जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं. अब यहाँ पर अगर आप डायनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर देखो तो ये जो आप इतना अगर पार्ट कभी ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी वॉरियर की शील्ड है. ओके, कैप्टन अमेरिका का जो गोल शील्ड होता है उसको अब आप एक बार ट्रायंगुलर अगर एज्यूम करके देखो तो इस स्ट्रक्चर पर आपको ऐसा ही लगेगा कि दिस इज द हेलमेट ऑफ डायनोफ्लैजेलेट. ओके, एंड दिस इज द शील्ड एंड दिस इज द सेकेंड शील्ड. और ये काम भी ऐसा ही करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं बिकॉज दे आर स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स जो कि दोनों साइड पर प्रेजेंट रहती हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला. ओके, एक जो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल रहता है और दूसरा आपका ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहता है इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स. यानी कि एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल जो कि हमने यहाँ पे बनाया और एक आपका जो वॉल प्लेट्स रहता है इनके बीच में ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहता है. जैसे ये एक वॉल प्लेट है और नीचे वाली जो वॉल प्लेट्स है इनके बीच में ट्रांसवर्सली कहीं पर एडजस्ट हो रखा होगा. इनके बीच में जो गुफा लाइक स्ट्रक्चर है, ये फरो लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये वाली इन 2 लाइन्स के बीच में, अभी मैं 2 लाइन्स बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, इसके बीच में आपको कैविटी दिखाई दे रही है. जो कैविटी है दैट इज बेसिकली द फरो. सो बिटवीन दिस फरो देयर वुड बी द ट्रांसवर्स फ्लैजेलम व्हिच इज प्रेजेंट. So, कुछ रेड डायनोफ्लैजेलेट होते हैं जैसे कि आपके गोनियोलेक्स, जिसकी वजह से आपका बेसिकली क्या होता है, रेड टाइड आपको दिखाई देता है बिकॉज दे आर मेजरली मैराइन इन नेचर, जो कि हमने ऊपर देख लिया, दे आर मेजरली मैराइन. सो पानी में काफी बार क्या होता है, दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रैपिड मल्टीप्लीकेशन, समझ लो यहाँ पर काली स्क्रीन पे मैंने लाल मार्कर चला दिया है, you won't be able to identify it, but let's say this marker is increasing its number again and again and again, so आपको हो सकता है पूरी स्क्रीन पर आपको यही दिखाई दे. So जब ये बहुत ज़्यादा रैपिड तौर पे मल्टीप्लाई करते हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियल वे में, तो आपको जो पानी है ओशन का वो बेसिकली रेड दिखाई देने लग जाता है and that's what we call as red tide. But this is very harmful for the other organisms that are surviving in that particular water body. क्यों? क्योंकि ये जो रेड टाइड है जिनमें काफी सारे ऑर्गेनिजम्स, काफी सारे गोनियोलेक्स आपके डिवाइड कर रहे हैं, ये कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं. सो दीज सिक्रेटेड टॉक्सिन्स और दीज रिलीज टॉक्सिन्स बाय लार्ज नंबर ऑफ गोनियोलेक्स, ये क्या करते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मराइन एनिमल्स जो हैं, फिशेस वगैरह जो हैं, इनको किल कर देते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन उनकी बॉडी पर जाकर इफेक्ट करेगी और उनकी बॉडी पर जाकर जाहिर सी बात है इल इफेक्ट करेगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टॉक्सिन, क्योंकि एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ केमिकल व्हेन इट इज गोइंग टू बी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी देन ओनली इट इज कॉल्ड एज अ टॉक्सिन. सो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो ये आपका एक जहर का काम करती है बचे हुए ओशन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए. सो दैट्स व्हाई दिस रेड टाइड इज वेरी वेरी हार्मफुल विच इज क्रिएटेड बाय गोनियोलेक्स दैट इज अ डायनोफ्लैजेलेट. सो आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, समझ में आया, देन प्लीज मेक श्योर कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू आर गेटिंग Unacademy सब्सक्रिप्शन देन यू आर यूजिंग द कोड विपिन, बिकॉज बाय दिस कोड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ एडिशनल पर्क्स जो कि आपको कहीं और पर नहीं मिलने वाले. तो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो.